हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका राठौर ट्यूटोरियल में। आज हम आपको वन टक्स पैडल ब्लाउज बनाना बताएंगे। तो आप में से हमारी एक फ्रेंड की डिमांड थी कि हम आपको ये वन टक्स ब्लाउज बताएं, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना अस्तर को खोल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अपने अस्तर को इस तरह से टू फोल्ड कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का ही टू फोल्ड है और जितनी हमारी चेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे अच्छे से टू फोल्ड कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें अपने ब्लाउज की लेंथ देखनी है, तो यहाँ पर हम 13.5 इंच का ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 13.5 इंच पे निशान लगा लिया है और यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे यहाँ पे। अब ऊपर हमने अपने शोल्डर को ले लेना है, तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच के शोल्डर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमको अपने आर्म होल पर निशान लगाना है, तो यहाँ पर हमने 6 इंच आर्म होल ले लिए हैं। यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगा देना है, 32 इंच। तो अब इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम अपने आर्म होल पे यहाँ पे कर्व दे देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच भी कर दिया है क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पे हम अपनी टक्स प्लेट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमारा जो टक्स पॉइंट होता है वो 10 इंच पे बराबर आता है। अगर आप ऊपर या नीचे कर देंगे तो ब्लाउज की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। अब इसके बाद इस तरह से हमने इसको टक्स पॉइंट से ला के मिला देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें अपने गला बनाना है, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच भी निशान लगाया है। और इसके बाद इसकी हाइट हम यहाँ पे 7 इंच ले लेंगे क्योंकि हमारा जो फ्रंट का नेक है 7 इंच का बराबर रहता है। इसके बाद यहाँ पे हमने 2 इंच भी निशान लगाया है और इसको इस तरह से घुमाते हुए हम यहाँ मिला देंगे। आप चाहे तो गोल गला भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक डिज़ाइन गला बनाएंगे। तो इस तरह से कॉर्नर से निकालते हुए हमें यहाँ पे कर्व देते हुए ऊपर लाना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें कट कर लेना है अपने पार्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने आर्म होल कट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हमने सिर्फ 2 इंच फोल्डिंग के लिए लिया है, उसको छोड़ते हुए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद इसका नेक हम कट कर देंगे इस तरह से। ये नेक बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है, तो इसको हमने कट कर लिया है। तो देखिए यहाँ खोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हमें इसको खोल के इसकी जो लाइन है उसको सीधा कर लेना है इस तरह से, और इसके दूसरे पार्ट में भी हमें सारे निशान लगा देने हैं। तो ये जो हमारी टक्स प्लेट है उसको भी हमें इसके बिल्कुल बराबर में कर लेना है ताकि एक छोटी या बड़ी ना हो, बिल्कुल इससे मिलाते हुए यहाँ पे छोटी बड़ी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे जो हमने ये राउंड बनाया है यहाँ पे हमने पैड से टच करेंगे, तो हमने इसलिए निशान बना दिया है ताकि हमारे जो पैड है बिल्कुल बराबर लगे। अब इसके बाद हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है इस पर रखते हुए। तो यहाँ पे इसको रखते हुए हमें अपने मेन फैब्रिक कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है तरीके से। तो हमने इसका गला कट नहीं किया है क्योंकि हमने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है इस तरीके से, और इसको पलटना है। तो अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो हमने इस तरह से अपने कपड़े को रखा है मेन फैब्रिक को, अब इसके ऊपर हम
ये अस्तर रखेंगे इस तरीके से, और सबसे पहले पिन के साथ इसको हम चारों तरफ से सिक्योर कर देंगे ताकि हमारा जो एक भी पार्ट है इधर उधर सरके ना, इस तरीके से। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे गले पे, जैसे कि हमने बैक पार्ट पे किया है सेम ऐसे ही हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाते समय हमें इसके कोनों का ध्यान रखना है, जिस तरह से हमने गला कट किया है सेम उसी तरह से इसको घुमा घुमा के हमें कोने के साथ अच्छे से सिलाई लगानी है, ताकि हमने जैसा गला कट किया है वैसा ही निकल के आए। अगर हम सिलते समय गड़बड़ कर देंगे तो हमारा गला जो हमने काटा है वो रहेगा ही नहीं, गोल हो जाएगा। तो यहाँ पे गले पे सिलाई लगाने के बाद अब इसके सारे पिन हमें निकाल लेने हैं, और इसका जो बीच का कपड़ा है उसको हमें कट कर देना है इस तरीके से, और हमें अच्छे से कट करना है, ना ही ज़्यादा अंदर को, और इस तरह से घुमाते हुए हमें अंदर का कपड़ा निकाल लेना है। और इसके जो कॉर्नर है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरीके से, हमें एक दो कट लगाने हैं ताकि कॉर्नर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम कॉर्नर में कट नहीं लगाएंगे तो अच्छे से सीधा नहीं होगा। तो कट लगाने के बाद अब हमें अपने पार्ट को सीधा कर लेना है अच्छे से, इस तरह से निकालते हुए हमें अच्छे से इसको सीधा कर लेना है। और इसके बाद इसके किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए ये अस्तर, और कपड़े को अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए हमें ये किनारे पे पूरे गले पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने ये आपको बिना बकरम का ही गला बना के बताया है, क्योंकि अगर आपका जो मेन फैब्रिक है पतला है तो आपको इसमें जो गला है बकरम पे ही काटना होगा, लेकिन हमने यहाँ पे बिना बकरम पे कट करके दिखाया है क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक है थोड़ा मोटा है। तो ऐसे अब इस पर हमें लेस अटैच करनी है। तो देखिए गला कितना प्यारा बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, आप अपने पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो अपने बैक पार्ट में लेस लगाई थी वही मैंने यहाँ पे भी लगानी है। तो ये बैक पार्ट की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इसलिए हमने इसको दो पार्टों में बनाया है। तो अब हमें इस लेस को अच्छी तरह से घुमा घुमा के पूरे गले पे सेट कर देनी है, और हमें लेस में ध्यान रखना है कि जैसे ही कोना आता है हमें इस पर कोना ही बनाना है इस तरह से, बस इनको उठाते हुए और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा हल्की सी प्लीट डालते हुए यहाँ पे कोना बनाना है। तो अगर हम ऐसे ही पूरी लेस लगा देंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने कौन सा गला बनाया है, सारे कोने गायब हो जाएंगे। और इस तरह से नीचे तक लाते हुए हमें कोनों का विशेष ध्यान रखना है इसमें, तभी हमारा गला बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर हमारे कोने बिगड़ गए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कौन सा गला बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पूरे गले पे अच्छे से लेस अटैच हो गई है। तो देखिए हमारा गला है बहुत ही प्यारा बन के तैयार हो गया है। तो अब इस लेस पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छे से हमारा गला सेट हो जाए। ये हमारी चौड़ी लेस ली है हमने, आप चाहें तो यहाँ पे पतली लेस भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा गला अच्छे से बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से बीच से पकड़ना है अच्छे से गला को मिलाते हुए, और यहाँ पे हमें निशान बनाना है क्योंकि हमने सिर्फ अस्तर में ही निशान बनाए थे। तो यहाँ पे हमने 14 इंच पे निशान लगा दिया है क्योंकि हमें टोटल
जो ब्लाउज है 13.5 इंच का चाहिए तो 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने 3.5 इंच में निशान लगाया है क्योंकि हमें दोनों प्लेटें अलग अलग लगानी है, क्योंकि हमें बीच में कप अटैच करने हैं। तो इस तरह से यहाँ भी हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया है इस तरीके से। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पिन लगाया है और पिन के राउंड राउंड कर देंगे, क्योंकि हमारे कप को हमें बिल्कुल बराबर में ही लगाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो हमने निशान लगाए थे, तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक पे इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे प्लेट लगानी है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में अच्छे से प्लेट लगा लेनी है। जहाँ तक हमने निशान बनाए हैं वहाँ तक हमें दोनों साइड में अच्छे से पकड़ते हुए इस तरह से प्लेट बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों प्लेट अच्छे से लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे का अस्तर है उसको भी हमें यहीं से पकड़ते हुए दोनों प्लेटों को लगा लेना है। और ये हमें प्लेट अंदर की साइड ही लगानी है, ये ध्यान रखना है, ये हमें उल्टी साइड से नहीं लगानी है। ये दोनों प्लेट हमें अंदर को ही रखना है, ये हमारी चोर सिलाई हो जाएगी तो पीछे से बिल्कुल भी दिखेगी नहीं कि हमने किधर को सिलाई लगाई है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी चारों प्लेट अच्छे से लगा ली है, दो अस्तर की और दो इसकी फैब्रिक की। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे कप्स लिए थे उनको हमें इस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको अंदर को पुश करेंगे और इसे 4 फोल्ड करके यहाँ पे निशान बना लेंगे। इससे होगा क्या, हमारे जो कप्स हैं बिल्कुल बीच में लगेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से फूला हुआ है हमें उस तरफ से अंदर को पुश करना है, ताकि जो जब हमारा ये अच्छे से बन के तैयार हो जाए तो ये ऊपर की तरफ ही पुश हो, ना कि पीछे की तरफ। और इस तरह से हमने वहाँ पे बिल्कुल बीच में एक पिन अटैच कर दिया है और बिल्कुल हाथ से दबाते हुए इसको प्लेन करते हुए हमें गोल गोल इस तरह से सिलाई लगानी है। और इसको छोड़ना नहीं है हमको, अगर हम छोड़ देंगे तो ये अंदर को जो हमारा अस्तर है उसको पकड़ के खींच लेगा। तो यहाँ पे एकदम दबाते हुए हमें इस तरह से गोलाई में इस पर पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें बड़ी कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक कप अटैच हो गया है। अब ऐसे ही सेम हम दूसरा कप अटैच करेंगे, तो बहुत ही आसानी तरीके से कप लग जाते हैं, ज़्यादा हमें इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बनटक्स में भी बहुत अच्छा ब्लाउज बन के तैयार होता है। आप चाहें तो इसमें प्रिंसेस कट भी कर सकते हैं, आप ऐसे प्रिंसेस कट अंदर को करके यहाँ पे कप अटैच कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से दबाते हुए हमें इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। हमें ध्यान रखना है कहीं भी झोल ना हो, इस तरह से हाथ चारों तरफ से फैलाते हुए कपड़े को अस्तर को मिलाते हुए और हमें सिलाई लगा लेनी है। हमें कपड़े और अस्तर को अच्छे से सेट कर लेना है चारों तरफ से। तो देखिए इसकी चारों तरफ हमने अच्छे से सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट करके निकाल दिया है इस तरीके से। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों कप्स अटैच हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसका बैक पार्ट लेना है और देखना है ये कितना बड़ा है। तो ये बैक पार्ट का जो वीडियो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो बिल्कुल इसके बराबर ही करते हुए हमें यहाँ पे इसको फोल्ड कर देना है इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट है अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह से आपकी डिमांड पे नई नई वीडियो लाते रहें।
तो अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।